अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयान किचन। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और गाइस खैरियत से होंगे। जो हमारी वीडियो देखते हैं गाइस वे भी इंशाल्लाह ठीक ही होंगे अपने घर में, और उनके सारे पालतू पक्षी वक्षी जो भी है गाइस सब ठीक होंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कबूतर तो अभी कंप्लीटिंग बंद है, और अभी मैं आपको गाइस बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, देख सकते हैं पूरी रात बारिश पड़ी है गाइस। ये देख लीजिए आप पूरी छत पर, अभी मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरी रात गाइस काफ़ी तेज़ जो है बारिश पड़ी, और अब भी पड़ रही थी। तो तुम्हारा भाई जब भी हल्का हल्का अब भी पड़ रही है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आ चुका है। तो गाइस प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं गाइस, कर दो ना सब्सक्राइब। में गाइस नेट नहीं जाता, पैसे नहीं जाते। और ये देखिए गाइस, इसके जो हमारे जाल के अंदर जो इनकी बीट पड़ी हुई है कबूतरों की, तो ये थोड़ी सी जाल हमारा गंदा हो चुका है बारिश से। तो सबसे पहले हम इसको साफ़ करते हैं और छत को अपनी साफ़ वाफ़ करते हैं। रात आंधी चली थी तो मैंने अपना अड्डा नीचे कर दिया था, ये रहा। तो सबसे पहले हम अपने छत को करते हैं, फिर कबूतर खोलकर आपको शो कराते हैं गाइस। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहे गाइस। ये देख लीजिए आप, काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई है क्योंकि बारिश पड़ी थी। तो अभी हम इसको साफ़ कर देते हैं बिल्कुल। ये मैं फट्टी है तो इससे अभी साफ़ करता हूँ एक कोने से लेकर। ये देखिए यहाँ से ऐसे साफ़ होता जा रहा है, ये ऐसा हमको साफ़ करना है। ये अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना साफ़ होता जा रहा है। तो गाइज़ अभी मैं इस तरीके से साफ़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ गाइज़ हैंड टू हैंड किस तरीके से गाइज़ मैं साफ़ कर रहा हूँ। गाइज़ अगर कबूतर पालना है तो साफ़ सफ़ाई रखनी पड़ेगी, नहीं तो अपने कबूतर बीमार हो जाएंगे गाइज़। तो ये देखिए कैसे निकल रही है ये, तो सफ़ाई करके हम आपको कंटिन्यू करके अभी वीडियो गाइज़ दिखाते हैं। तो गाइज़ ये देख लीजिए फाइनली सारा जो ये बीट का वो है सब यहाँ पर आके इकट्ठा हो चुका है, जमा हो चुका है। अब इसको फेंकते हैं, ये देख लीजिए आप एकदम साफ़ हो चुका है जाल थोड़ी सी देर में ही। तो अभी हम इसको फेंकते हैं गाइस, क्योंकि फेंकना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फेंकते हैं और आपको दिखाते हैं गाइस, ये देखिए कितना सारा जमा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए गाइस जाल हो चुका है अपना एकदम साफ, और ये सबसे पहले इधर इधर को कर देते हैं हम। ये देखिए जाल एकदम साफ़ हो चुका है गाइस। कबूतरों की दरी हटाते हैं हम। तो ये इकट्ठे तो हम यहाँ पर रख देते हैं। ये देखिए एक ये नीचे गिर चुका है, क्योंकि एक का वज़न थोड़ा कम था। तो गाइस ये वाला जो है वो नीचे गिर चुका है, तो आपको सावधानी भी बरतनी है। तो इसको भी उठाकर अभी रख देते हैं, अभी लग जाता गाइस ये अपने। ये रखा गया और ये दरी उठाकर अभी हम रख कर आते हैं गाइस। गाइस दरी जो है काफ़ी ज़्यादा गीली हो चुकी है, तो यहाँ पर ये सूख जाएगी। पानी की बाल्टी इधर को रख देते हैं अभी हम। गाइस जो अपने जाल वाले कबूतर है ना, सबसे पहले हम उनको जाल के अंदर गाइस खोलते हैं। तो अभी चलते हैं खोलने। ये देखे गाइस ये मैंने खोल दिया यहाँ पर। गाइस जाल वाले तो अभी बाहर नहीं आ रहे, तो इनको भी अभी हम खोल देते हैं, क्योंकि गाइस बारिश का कुछ नहीं पता कब आ जाए। तो इन वाले कबूतरों को भी हम जल्दी से गाइस खोल देते हैं। तो अभी खोलते हैं गाइस। गाइस ये वाले तो निकल रहे हैं, मगर जाल वाले नहीं निकल रहे, तो इनको निकालते हैं अभी अंदर से। ओ गाइस ये देखिए गाइज़, अभी मैं कबूतर निकाल ही रहा था इसके अंदर से, तो ये हमारा जो बड़े जोड़ों की पट्टी है गाइज़, ये देखिए इसके नीचे एक बच्चा हिल रहा है गाइज़। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा गाइज़, ये पता नहीं गाइज़ कब निकल गया। अभी हम हल्के से देखते हैं गाइज़, बारिश का मौसम भी है तो कहीं ठंड ना लग जाए। ये देखिएगा, ये देखिए गाइज़ एक बच्चा, ये देखिए ये कितना प्यारा निकला हुआ है गाइज़। अभी बिल्कुल जस्ट अभी निकला है, ये देखिए। और गाइस दूसरा अभी हम देखते हैं। आह आह ये इसमें तो गाइस कुछ नहीं है अभी, तो ये शायद कल को निकलेगा। तो इसको अभी हम रख देते हैं और इसको लेकर चलते हैं बाहर। ये देखे गाइस ये मैं बाहर इसको लेकर आ चुका हूँ गाइस। मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। ये मैंने नीचे फेंक दिया है छिक्कल इसका, कि हमारे कबूतर का गाइस माशाल्लाह से बच्चे निकल चुके हैं। तो पहला ही बच्चा है गाइस, इसके साथ साथ दो कबूतरियों ने और दिया था, देखता हूँ उनका निकला है या नहीं निकले हैं गाइस बच्चे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इसने और दिया था गाइस इसके साथ ही साथ अंडा। अभी हम देखते हैं, दिखाना जरा ये इसके नीचे। तो गाइस ये देखे गाइस ये रहा, इसके नीचे भी गाइस एक बच्चा और एक निकल जाएगा माशाल्लाह गाइस। ये देखें ये निकला गाइस इसका भी फूटा हुआ अंडा, और इसके नीचे तो गाइस अभी अंडा ही है। तो गाइस यही दो कबूतरों ने दिए थे, तो इसको फेंक देते हैं जल्दी से। गाइस मैंने फेंक दिया है, और अरे यार ये देखो गाइस, अभी मैंने कबूतर ही जैसे मैंने अंडा फेंका
गाइस मेरे सामने नजर गई, ये देखे ये किसका कबूतर आकर बैठा है। गाइस ये मेरा नहीं है, कबूतर निकाल देते हैं जल्दी से। मैं गाइस बच्चे देखने में लग रहा था, पता नहीं किसका कबूतर आकर बैठा है सामने। ये देखे गाइस ये कबूतर बैठा है, वो जा रहा गाइस आगे आगे। गाइस आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, ये तो गाइस उड़ने को हो रहा है। और गाइस आपने मेरी वीडियो में देखा होगा मेरे देखे सारे कबूतर, कोई सा भी ऐसा कबूतर नहीं है गाइस, ये काला सफ़ेद सा कबूतर है। वो देखे वो बैठा है गाइस, और ऊपर बैठ नहीं कर रहा है गाइस, वो बैठा है। वो देख लीजिए आप, ये ऊपर बैठ नहीं कर रहा है गाइस। तो दाना डालता हूँ गाइस मैं अभी। आह अपने कबूतर चुग रहे हैं गाइस। ये देखे उनने पर भी झाड़ लिए कबूतर, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा है गाइस। ये गाइस मुझ पे ऐसा कबूतर तो था नहीं, पता नहीं किसका है ये कबूतर। गाइस स्टैंड पे मैंने कैमरा लगा दिया है, अब हम इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ये पकड़ा जाता है क्या गाइस। नहीं अभी हम जाने की कोशिश करते हैं। गाइस काफ़ी ज़्यादा डर रहा है, सबसे पहले हम दाना लेकर आते हैं फिर इसको गाइस पकड़ते हैं हम। गाइस मैंने दूसरी जगह कैमरा सेट कर दिया है और आपको कबूतर दिखाता हूँ कौन सा वाला है। ये वाला गाइस कबूतर है, और गाइस बहुत ही ज़्यादा चंट कबूतर दिख रहा है मुझे, और ऊपर भी वेट नहीं कर रहा। गाइस ये किसी का बड़े जोड़ों का कबूतर है, चालाक है गाइस बहुत, और बारिश में जाने क्या पता गाइस रात का भी हो। मैं इसको जल्दी जल्दी दाना डालता हूँ, इसको पकड़ते हैं गाइस। गाइस कबूतर पकड़ लिया है मैंने, गाइस ये मैंने कबूतर अभी पकड़ लिया है, आपको इसका शोक कराता हूँ मैं। ये देखे गाइस ये कबूतर मैंने पकड़ा है, आपने लाइव देखा होगा। और अभी इसकी जानकारी लेते हैं गाइस, बिल्कुल उड़ने ही वाला था, अचानक से मैंने इसको पकड़ लिया है। तो अभी हम इसको देखते हैं गाइस कैसा है। माशाल्लाह से गाइस ये कबूतर हमने पकड़ा है, आँख दिखा दे शहजादे। ये देखिए ये कबूतर पकड़ा है गाइस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कबूतर है, बड़े जोड़ों का है गाइस। ये लाल लाल है इसके ऊपर, और चिन्ना सा कबूतर मैंने, ये देखिए पिंसेस के पर बांध दिए, चमक रही हो तो गाइस आपको। ये देखे गाइस फोकस नहीं हो रही ज़रा, ये देखिए ये मैंने पिंसेस के पर बांध दिए, बाकी इस साइड के ही बांध दिए, और इसके पर भी अच्छे हैं गाइस, वो काफ़ी बढ़िया कबूतर है, मुझे नर लग रहा है ये। और गाइस अब इसको छोड़ के देखते हैं। ये देखे गाइस वो गया, तो गाइस अचानक से मैंने बस कबूतर खोले ही थे, और मैं आपको बात बता रहा था जिस तरीके से कबूतर के बच्चे निकल चुके हैं। गाइस आज दो दो खुशी हो गई, कबूतर के गाइस बच्चे भी निकल चुके हैं, और एक कबूतर भी हमने जस्ट पकड़ लिया है। बारिश का मौसम हो रहा था गाइस, अभी तो मेरा कबूतर ढंग से निकले भी नहीं था, वो अंदर जाने ही कर रहा है गाइस। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे गाइस उनको पता होगा मुझ पर कोई सा भी ऐसा कबूतर नहीं है, अब भी नहीं है गाइस, आप देख सकते हैं। क्योंकि गाइस जो भी मुझ पर कबूतर है उसके जैसे दो तो होंगे ही, क्योंकि गाइस ये भी मैंने पकड़ा था, इसके जैसे भी एक और कोई सा नहीं है, और ये भी गाइस आज मैंने पकड़ लिया है। तो गाइस इनके अलावा और देख लीजिए आप हमारे कबूतर, या आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। तो गाइस ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए गाइस चैनल पे, और सब्सक्राइब जरूर मार देना। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।